हेलो स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। पाइथन की सेकंड यूनिट का वन शॉट हम ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपने कवर कर ली होगी और सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। What is exactly control statements? As you already know that we have several types of control statements. So in this unit we will discuss if, else, if else, else if, for loops in Python, for loops using range, string, list and dictionaries, while loops, loop manipulations using pass, continue, break and else, and some programming examples of if conditions and loop, along with the match case. This is similar to switch case of C language. Okay, तो in general हम बात करें तो आपका जो program है वो किस तरीके से execute होता है? Simple flow में execute होता है, one by one. आपने कोई भी statements लिखे हैं तो वो statements simply आपके execute होते रहते हैं. Like this. Now first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, top to bottom in this order. कई बार लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होने चाहिए, या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. इट्स डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस. तो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अवर प्रोग्राम. ओके, तो वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. For example, if else, if elif, this is else if, exactly, match case. So these all are conditional statements. If else, if elif, and match case. And for loop, we have two types of loop. For loop in multiple forms. You can use for loop for the numbers. You can use for loop for the list. You can use for loop for the tuples. You can use for loop for the strings. You can use for loops for the dictionaries and so on. So we have for loop in multiple forms, then while loop, and with for and while loop we have sub special keywords like break and continue. So we can also use these statements, break and continue, along with pass. Aur kuch conditions hamari hoti hain jo logical operators mein hum logon ne last unit mein discuss ki thi, and or not in, not in and others. तो इनके भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, व्हेन यू आर राइटिंग सम स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस, तो दिस इज नोन एज ब्लॉक. स्टार्टिंग पॉइंट दिस वन एंड एंड पॉइंट इज दिस वन. कई बार प्रोग्राम के बीच में आपको एक और ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ती है, तो पाइथन में हम लोग उसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन. आपको टैब की लगानी पड़ेगी तो उसके थ्रू वो ब्लॉक डिफाइन होता है. फॉर एग्जांपल दिस, नाउ क्रिएट अ ब्लॉक. तो जस्ट शिफ्ट योर की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, टैब की प्रेस कर देते हैं आप अपने एडिटर में, एंड राइट द स्टेटमेंट्स. तो नाउ दिस इज द ब्लॉक. बाहर आना है इस ब्लॉक से वापस, तो आप बैक आके स्टेटमेंट्स लिख दीजिए. तो इंडेंटेशन की हेल्प से यहां पर आपके ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं. सी लैंग्वेज में आप लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद योर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज व्हेन यू आर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. फॉर एग्जाम्पल वॉइड मेन इन सी लैंग्वेज, यू जस्ट राइट लाइक दिस. And for example, if you are using a loop like this, तो यदि प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो यह पता नहीं चलता कौन सा ब्लॉक कहां स्टार्ट हुआ. तो दिस इज द ऑड फॉर्म ऑफ द प्रोग्रामिंग. यदि प्रोग्रामिंग की प्रॉपर फॉर्म आपको यूज करनी है तो उस केस में आप इस तरीके से इसे डिजाइन करें, curly braces, then shift your code to the right side, then loop,
इसका ब्लॉक बनाना है, शिफ्ट योर कोड टू द राइट साइड, देन बैक एंड देन बैक लाइक दिस. तो इससे क्लियरली पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक कहां स्टार्ट हुआ. बट दैट इज ऑप्शनल इन सी लैंग्वेज, बट कंपल्सरी इन पाइथन. पाइथन में कोई भी ब्लॉक आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको इंडेंटेशन यूज करना है, जस्ट शिफ्ट इट हियर. इसके अंदर एक और ब्लॉक बनाना है, फिर से राइट साइड में शिफ्ट कर दो. अब मैं यदि बाहर आऊंगा तो मैं इस ब्लॉक में आ गया, और बाहर आ जाएंगे तो ये ब्लॉक हो गया आपका. दिस इज प्राइमरी ब्लॉक, इसके अंदर एक ये ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के अंदर एक ये ब्लॉक है. तो हम लोग इंडेंटेशन की हेल्प से ब्लॉक क्रिएट करते हैं. फॉर लूप, इफ कंडीशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए आपको कंपलसरी इंडेंटेशंस लगाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ब्लॉक्स डिफाइन करने पड़ते हैं. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. पाइथन में ये कंपलसरी होता है, सी में ऑप्शनल होता है, लेकिन सी में भी आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए. दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग हैबिट. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एग्जैक्टली इफ एंड इफ एल्स? प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं और आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज स्टेटमेंट्स. तो आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन यदि ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो. स्टेटमेंट में सिंगल स्टेटमेंट भी पॉसिबल है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी पॉसिबल है. इट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट. तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स मेरे पास जैसे हैं, तो मैं चाहता हूं कि या तो मेरे ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या इनमें से एक भी ना हो. इट्स डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस. तो इन दैट केस यू कैन यूज इफ कंडीशन, कि यदि ऐसा है तो ये हो, खत्म. ठीक है ना? हाउ यू कैन यूज दिस? जस्ट यूज इफ एंड देन कंडीशन, देन कॉलन. कॉलन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहां पर अब एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एंड दैट ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद इफ कंडीशन. अब आपने आगे की तरफ शिफ्ट किया, कुछ स्टेटमेंट्स आपने लिखे, फिर आप पीछे आ गए, फिर आपने जनरल स्टेटमेंट्स लिख दिए. नाउ द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, 1, 2, 3, 4. नाउ इट विल चेक द कंडीशन. फॉर एनी कंडीशन वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, आइदर ट्रू और फॉल्स. या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी. लेट द कंडीशन इज ट्रू, तो इस सेंटेंस को आप रीड करेंगे इफ ट्रू, और यदि कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद ये बाहर आउटर ब्लॉक वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, एग्जीक्यूट इट, चेक द कंडीशन. नाउ कंडीशन इज फॉल्स, तो जस्ट स्किप ऑल दीज स्टेटमेंट्स एंड जंप टू हियर. अब आप यहां जंप करेंगे और इसको अब आप यूज करेंगे. तो इस तरीके से हम लोग इफ लगाते हैं. कंडीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन हमारे पास समथिंग लाइक दिस. लेट वी हैव टू वेरिएबल्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स डबल इक्वल टू वाई. तो दिस इज फॉर कंपेरिजन. तो कंडीशन ट्रू होगी यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स लेस देन वाई है तो ट्रू होगी, एंड सो ऑन. डबल इक्वल आप यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए. साथ में यहां पर हम लोग एंड और को भी यूज करेंगे. मान लीजिए मैं कंडीशन लगाता हूं इफ के साथ, एक्स ग्रेटर देन वाई. और कई बार ऐसा होगा आपको मल्टीपल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट आ सकती है, समथिंग लाइक दिस. नाउ इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड ए ग्रेटर देन बी, दैट मींस बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू. एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए और ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए. यदि इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स जनरेट होगा, तो आपका जो इफ ब्लॉक है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा. लेकिन यहीं पर यदि आप लगा दें इसकी जगह और, तो और मींस आइदर और, दैट मींस या. तो यहां पर आपका एग्जीक्यूशन है इफ एक्स ग्रेटर देन वाई और, या इफ एक्स ग्रेटर देन वाई या ए ग्रेटर देन बी. तो इन दोनों में से कोई भी एक यदि ट्रू है तो आपका ये सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो और में और एंड में एक डिफरेंस याद रखिएगा. एंड में जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब ट्रू एवलेट होनी चाहिए, तभी ओवरऑल ट्रू बनेगा. लेकिन और में कोई भी एक कंडीशन यदि आपकी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है. तो वहां आप या की बात कर रहे हैं.
ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, एंड में आप कह रहे हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंड और कंडीशंस को हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल, हियर इट इज, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट इनपुट अ वैल्यू, आई एम यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट विद अ मैसेज, एंटर अ वैल्यू। देखिए पाइथन में एग्जाम में जब आप प्रोग्राम बताएं तो उसके अंदर प्रॉपरली आप कमेंट्स मार्क करें, हैश लगा के आप स्टेटमेंट्स में हर दो स्टेटमेंट के बाद या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से पहले ये बताएं कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए वर्क कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो आपके मन में, एग्जामिनर के मन में नहीं है। तो एग्जामिनर को ये बताना जरूरी है कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोड सही हो लेकिन शायद आपने उस फॉर्म को फॉलो नहीं किया जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कई बार वो बिना देखे काट देंगे। लेकिन यदि आपने एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है और वो एक्सप्लेनेशन आपका सही है तो वो आपका राइट मार्क कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हर प्रोग्राम में प्रॉपरली कमेंट होने जरूरी है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ में आप कमेंट मार्क करें। सिंपल स्टेटमेंट है x इक्वल टू 10, शायद उसके लिए कमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स यदि आप कुछ लगा रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं, लूप्स लगा रहे हैं, तो वहां प्रॉपरली मेंशन कीजिए कि दैट यू आर यूजिंग दिस वन, यू आर यूजिंग दिस वन। तो कमेंट्स के थ्रू आप जरूर मार्क करें कि एग्जैक्टली आपका क्या है। इसके अलावा कॉपी में प्रोग्राम लिखते समय इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, यदि इंडेंटेशन नहीं है तो आपके प्रोग्राम को काट दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो हियर वी हैव s इक्वल टू इनपुट, एंटर अ वैल्यू, यूजर ने एक वैल्यू इनपुट की, हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, x में मेरे पास वैल्यू आ गई। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो मैं चाहता हूं मेरे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो मैंने एक इफ का ब्लॉक बनाया, कॉलन, देन दीज थ्री स्टेटमेंट्स, दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस इफ ब्लॉक। नाउ इनसाइड द इफ ब्लॉक आई एम इन इफ ब्लॉक। अब यदि आपने यूजर ने वैल्यू इनपुट की, सपोज करो 20, तो आपकी कंडीशन हो गई ट्रू, तो आपका ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, ये उसके बाद ये तीनों सेंटेंस भी एग्जीक्यूट होंगे, दिस थ्री, और इसके बाद आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, ये तो हमेशा चलना है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इफ, क्योंकि ये आपने बैक साइड में फिर से लिखा है। अब यदि आप लोगों ने वैल्यू इनपुट करी सपोज 5, तो उस केस में एस इनपुट हो गया, एक्स इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, इफ एक्स ग्रेटर देन 10, नो वैल्यू इज 5, तो ये इन तीनों स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और डायरेक्ट यहां से जंप कर जाएगा आपका यहां पर आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आप इफ के साथ के कोड लिखेंगे, कॉलन लगा के ब्लॉक डिफाइन करेंगे और इंडेंटेशन की हेल्प से बताएंगे कि इस इफ स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट एसोसिएटेड हैं। देखिए ये प्रोग्राम का आउटपुट हमने यहां पर दिया हुआ है, हमने कहा एंटर अ वैल्यू, तो क्या मैसेज आया, आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, दैट मीन्स ओनली दिस वन, क्यों, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अब यदि कंडीशन ट्रू है तो एंटर अ वैल्यू लेट 20, कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका पूरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आपका एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक नॉर्मल प्रोग्राम का पार्ट है, वो हमेशा एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इफ पार्ट इज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज एग्जैक्टली इफ एंड एल्स। यहां पर हमने कहा if let condition then block and do something, अब हम कहते हैं कि नहीं, या तो ये हो या ये हो, that means else, या, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, execution order पे ध्यान देना, first, second, third, now check the condition, we have only two options, either condition is true or the condition is false, let the condition is true, तो रीड इट, इफ ट्रू, सपोज एक्स ग्रेटर देन वाई और समथिंग एल्स, तो यदि कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये शिफ्ट करेगा यहां और आपके ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा। अब सपोज करो कंडीशन आपकी फॉल्स है, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो देन स्किप दीज, एल्स वरना, सिंपल सी बात है, ये वरना ये, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर आपका यहां आ जाएगा, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। If और else block में ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एक block जरूर execute होगा यदि syntax error नहीं है या कोई termination error नहीं है, ठीक है ना।
रन टाइम पे कोई एरर नहीं आ रही है या कोई सिंटेक्स एरर नहीं आ रही है, हो सकता है कोई सिंटेक्स एरर आ जाए तो अलग बात है, तो आपका इफ और एल्स में से कोई एक ब्लॉक जरूर एग्जीक्यूट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोग्राम को प्रॉपरली देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो सिंटेक्स एरर और कुछ गड़बड़ हो जाए। लेट्स चेक विद एग्जाम्पल। एस इनपुट एंटर अ वैल्यू, एक वैल्यू हमने इनपुट कराई, सेम कंडीशन हमारी, इफ एक्स ग्रेटर देन 10 देन दीज थ्री, एल्स। तो एल्स देखो हमने कहां लिखा, इफ के अलाइनमेंट में लिखा है, और फिर ये हमने टैब लगा के इसको आगे शिफ्ट कर दिया, ब्लॉक बना दिया हमने इंडेंटेशन से, एल्स कॉलन और एल्स पार्ट, एल्स ब्लॉक आउटसाइड ऑफ ए ब्लॉक। अब यहां पे आप वैल्यू इनपुट कराइए, देखिए एंटर अ वैल्यू 4, तो आपका क्या हुआ, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, क्योंकि वैल्यू आपकी 4 है विच इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों आपके एग्जीक्यूट हो गए, आउटसाइड द इफ ब्लॉक तो हो गई होगा, ठीक है ना। सपोज वैल्यू आपने इनपुट की 20, तो इनसाइड द इफ, इफ ब्लॉक, आई एम इन इफ एंड आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, तो आपका ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन, तो यहां पर आप यूज करते हैं आइदर इफ और एल्स पार्ट। नाउ द सेकंड इज एलिफ। एलिफ इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, इफ सम कंडीशन देन ब्लॉक देन एल्स, ध्यान से देखना बेटा, एल्स देन ब्लॉक, और एल्स के अंदर अब आपने फिर से एक कंडीशन मेंशन करी है एंड देन एल्स एंड देन सम स्टेटमेंट्स। तो एग्जैक्टली इंडेंटेशन के बाद आपने इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये आपका पूरा किससे एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद दिस एल्स। अब आपकी कंडीशन हो गई ट्रू इफ C1, तो ये इफ ब्लॉक चलेगा और फिर बाहर के स्टेटमेंट आ गए, एल्स से हमारा कोई मतलब नहीं है। नाउ कंडीशन इज फॉल्स, तो आप कहेंगे एल्स पे, अब एल्स पे आपने ये लिखा है इफ C2, लेट द कंडीशन इज अनदर कंडीशन, तो इफ C2, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस, एल्स दिस, तो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ। आप इफ के अंदर फिर से इफ लगा सकते हैं, एल्स के अंदर फिर से इफ लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ। अब पाइथन क्या कहता है कि दिस इज परफेक्ट, इसमें 10 out of 10 आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। देखिए फर्क क्या है कि यहां पर अब आपको नेस्टेड की रिक्वायरमेंट नहीं आई, हमने एक ही इफ के साथ में काम चला लिया, इफ दिस देन दिस एल्स इफ, यहां हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं और इसको हम शॉर्ट पे लिखते हैं एल इफ, तो एल्स इफ, एल्स इफ C2 देन दिस अदरवाइज दिस, और फिर आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूशन हमारा होता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये जो आपका नेस्टेड पार्ट है, जो एल्स के अंदर आपने नेस्ट किया था, इसको हमने नेस्ट नहीं किया, हमने नॉर्मल इफ के साथ में इसको कंबाइन कर दिया। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप एलिफ पे जाएं। हियर इज द एग्जांपल, इफ एंटर अ वैल्यू, वैल्यू इनपुट हो गई, अब यहां पे देखो क्या लिखा हमने, एक्स लेस देन 10, वैल्यू हमने इनपुट की 5, तो आपका इफ ब्लॉक चला और एलिफ से कोई मतलब नहीं है इनसे, फिर आप आउटसाइड द इफ ब्लॉक आ गए। अब वैल्यू इनपुट करी, सपोज करो 12, तो एक्स लेस देन 10 नहीं है, 12 है, तो ये लेस देन 50 है, यस, तो अब आपका ये चलेगा एल्स इफ पार्ट, जैसे यहां पे 25 इनपुट हुआ है, तो एल्स इफ पार्ट आपका ये एग्जीक्यूट हुआ, और सपोज आपने 100 इनपुट किया, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, हियर इट इज। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होता है, तो ये आपका बेटर होता है प्रोग्रामिंग स्टाइल, एल्स इफ वाली जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू नेस्टेड इफ, क्योंकि नेस्टेड इफ में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो आप इसी को प्रेफर कीजिएगा। कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स है अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है ऑड इवन का, आपको बताइए किसी भी वैल्यू को ऑड आप कब कैसे कहेंगे, यदि उसमें रिमाइंडर 1 बचता है 2 से डिवाइड करने के बाद, इवन यदि रिमाइंडर 0 होता है, तो सी दिस,
एंटर अ नंबर। देखिए यहां पर हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो एस इक्वल टू है इनपुट के, तो आप इसे इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन हम एग्जाम में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखें तो बेटर रहेगा, जिससे कि टीचर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी आप कॉपी भरने में एक्सपर्ट हैं, तो यदि कोई काम दो लाइन में हो रहा है तो उसे एक लाइन में क्यों लिख रहे हो। तो देन एन हमने इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इफ एन परसेंटाइल टू, परसेंटाइल टू ऑपरेटर किस चीज के लिए यूज करते हैं आप, रिमाइंडर के लिए। यदि टू से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है, जीरो, तो प्रिंट इवन नंबर, एल्स वरना ऑड नंबर। तो सिंपल प्रोग्राम ऑफ ऑड एंड इवन। लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, दिस इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली एल्स इफ। फर्स्ट एंटर थ्री नंबर्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थ्री नंबर, वी हैव थ्री स्ट्रिंग्स, कन्वर्ट दीज स्ट्रिंग्स इनटू नंबर्स, वी हैव थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। नाउ कंपेयर ए विद बी एंड ए इज विद सी। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो दैट मींस ए इज द लार्जेस्ट। वी हैव अ मैसेज, फर्स्ट इज लार्जेस्ट। बट व्हाट अबाउट इफ द कंडीशन इज फॉल्स? यदि कंडीशन फॉल्स हो गई बेटा, तो फिर आपको ए के बारे में सोचने की तो जरूरत है नहीं। ए तो 100% कंफर्म है, लार्जेस्ट नहीं है, तो कौन बचे? बी और सी बचे बस। तो केवल उन्हीं को कंपेयर करना, बी को अब ए से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो एल इफ बी ग्रेटर देन सी, देन सेकंड इज लार्जेस्ट। अब बी भी ग्रेटर नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, तो भैया सी ही बचा होगा, तो थर्ड इज लार्जेस्ट। तो आप इस प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो देखिए एल इफ का एग्जाम्पल आपका हो गया। नेक्स्ट लीप ईयर। पहले लीप ईयर के लिए एक ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझ लो, तो मेरा प्रोग्राम समझना आपको इजी हो जाएगा। जनरली बच्चे कहते हैं फोर से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। बेटा 2100 जो है वो फोर से डिवाइड होता है, पर वो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की कंडीशन याद रखिएगा आप, फोर से डिवाइड होना चाहिए फर्स्ट, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है, एग्री विद दिस। नाउ सेकेंड पार्ट, यदि 100 से डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर है, या 400 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। फिर से सुनना, 4 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, एक तरफ रख दो उसे। अब बाकी दो कंडीशन कौन सी हैं? यदि 100 से डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर है, या 400 से डिवाइड हो गया तो भी लीप ईयर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक, और 4 वाली तो चाहिए ही चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक चाहिए। तो कंडीशन देखो हमने क्या लगाई है, ईयर आ गया आपके पास ए में, फर्स्ट ए परसेंटाइल 4 इज डबल इक्वल टू 0, ए यदि आपका 4 से डिविजिबल है, एंड एंड लगाया, ध्यान रखना बाकी कंडीशंस के साथ में मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। अब एंड में मैंने ब्रैकेट मेंशन करा है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। नाउ ए परसेंटाइल 100 इज नॉट इक्वल टू 0, यदि 100 से डिवाइड नहीं होता है, या और 400 से डिवाइड होता है, तो उस केस में आप इसे लीप ईयर कहेंगे, वरना इसे लीप ईयर नहीं कहेंगे। तो लीप ईयर की कंडीशन याद रखिएगा, 4 से डिवाइड होना ही चाहिए, 100 से नहीं हो, या 400 से हो, ठीक है ना। तो 4 से डिविजिबल वाला रूल नहीं चलता है, गूगल कर लेना, 2100 है, 2200 है, 2300 है, लीप ईयर नहीं होते, लेकिन 2400 होता है। नाउ द मैच केस, व्हाट इज एग्जैक्टली मैच केस? दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ स्विच केस इन सी लैंग्वेज। और जिन्होंने सी नहीं करी है कोई इशू नहीं है, मल्टीपल इफ कंडीशंस आपको लगानी है तो स्विच केस उसको बहुत आसान कर देता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दिस इज जस्ट थ्योरी पार्ट। मैच केस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ मल्टीपल इफ कंडीशंस, इट प्रोवाइड्स वेरी सिंपल एंड इजी वे टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इफ कंडीशंस, एंड वी कैन यूज सम एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें है, ये खास बात है इसकी। देयर आर डिफरेंट कंडीशंस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोड विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन अ केस इज मैच्ड, अदरवाइज देयर इज अ डिफॉल्ट केस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन ऑल द डिफाइंड केस आर नॉट मैच्ड। दिस इज सिमिलर टू स्विच केस ऑफ सी लैंग्वेज बट विद एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है ना।
इसको जरा देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। हियर इट इज, हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है और हमें उसके बेस पे बताना है कि जो डे है वो कौन सा है, दैट मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वन नंबर हम लोग वन डे को कंसिडर करेंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, ऑब्वियस है, समथिंग लाइक दिस। इफ एन इक्वल टू वन देन प्रिंट संडे, एल इफ एन इक्वल टू टू देन प्रिंट, मैं प्रिंट लिख नहीं रहा हूं ध्यान रखना, मंडे एंड सो ऑन, और लास्ट में एल्स, और यहां पे जो भी आप लगाना चाहें, है ना। तो ये इतनी सारी इफ कंडीशन लगाने से अच्छा है बेटा आप ये मैच केस लगा लीजिए। नाउ चेक इट, एंटर डे ऑफ वीक, वैल्यू आ गई मेरे पास एन में, मैच एन, यानी इफ कंडीशन लग रही है एन पर। नाउ इफ एन इक्वल टू वन, केस वन, केस वन का मतलब है यदि एन की वैल्यू वन है, डबल इक्वल वन, जैसे हमने यहां कंपेयर किया, प्रिंट मंडे और संडे, जो भी डे फर्स्ट डे आप एज्यूम करना चाहो। इफ केस टू, दैट मीन्स इफ एन इक्वल टू टू, प्रिंट ट्यूजडे, इफ एन इक्वल टू थ्री, वेडनेसडे, इफ एन इक्वल टू फोर, थर्सडे, इफ एन इक्वल टू फाइव, फ्राइडे, एल्स। तो एल्स में केस के साथ में बेटा अंडरस्कोर लगाते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे एल्स है तो यहां लास्ट केस हमारा आता है केस अंडरस्कोर, तो दिस इज एग्जैक्टली एल्स। तो एल्स में वीकेंड होलीडे, तो हमने सैटरडे संडे को वीकेंड होलीडे यहां पे मार्क किया है। यदि वन टू थ्री फोर फाइव में से यूजर ने इनपुट किया तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन यदि उसने कोई भी और नंबर डाला, जीरो डाले, माइनस में डाले, प्लस में डाले, है ना, तो क्या आएगा आपका, वीकेंड होलीडे। तो आपका केस आएगा ये लास्ट वाला, विच इज नोन एज डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट को डिफॉल्ट नहीं लिखना, अंडर स्कोर लगाते हैं, ध्यान रखो। तो इस तरीके से मल्टीपल इफ कंडीशन लगा के आप ये केस लगा देते हैं, और ये आपका एक इजी मैटर है यदि सिंगल वेरिएबल पे मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी है तो। तो दैट इज मैच केस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपके सी में नहीं होती, तो जिन्होंने सी करी है वो एक्स्ट्रा फीचर पे ध्यान दो, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए है ही। नाउ सी दिस, एंटर मंथ। अब यूजर से मैं नंबर इनपुट कराऊंगा, नंबर से मेरे पास मंथ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब हमने उस पर कंडीशन लगाई है। तो मुझे क्या करना था, 3 और 4 पे ना एक ही मैसेज डालना था। तो यहां आप लगा सकते हैं और, जो पाइप सिंबल आपका होता है, तो मैच एन केस 3 और 4, तो और ओ आर नहीं लिखना आपको, ये ध्यान रखना, ये वाला ऑपरेटर आप यूज कीजिएगा। तो केस 3 और 4, यानी एन की वैल्यू 3 है या एन की वैल्यू 4 है, प्रिंट स्प्रिंग, एन की वैल्यू 5 है या एन की वैल्यू 6 है, हॉट समर, एन की वैल्यू 7 है या एन की वैल्यू 8 है, रेनिंग, और ऑल अदर्स कोल्ड डेज। तो यहां पर हम लोग जो है वो और कंडीशंस भी लगा सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ में जो वैल्यूज हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिट हमें यहां पे मिलता है। तो ये शॉर्ट में और लिखा गया, देखिए आपको, और आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ये देखिए, केस के साथ में हम लोग इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं बेटा, ये भी इसकी एक फीचर है। एंटर नंबर, एन आ गया, अब एन की वैल्यू कुछ भी होगी तो क्या होगी, 5 होगी 2 होगी, तो हमें नहीं पता, तो हम उसे लिखते हैं केस एन, वेरिएबल के नाम को ही लिख देते हैं और उसके बाद इफ कंडीशन दे देते हैं। यदि मैं लिखूं केस 7, तो दैट इज इक्वलेंट टू एन डबल इक्वल 7, लेकिन यदि केस एन लिखा तो फिर कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, इफ एन ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, इफ एन लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव, अदरवाइज 0। तो ये आपका डिफॉल्ट केस आ गया, और डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है, ये ध्यान रखना, इफ में एल्स लगाना कंपलसरी नहीं होता, इट्स अप टू यू, इफ इट इज अवर रिक्वायरमेंट देन यूज इट, अदरवाइज फॉरगेट इट। सेम हियर, ये जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट केस हमेशा यूज करें, रिक्वायरमेंट है तो यूज कीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट इग्नोर इट। तो इस तरीके से आप मैच केस लगा सकते हैं। नाउ लूप्स, लूप्स दैट मीन्स साइकिल, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं
बार बार चलाने, तो बार बार लिख दो। अरे कितनी बार लिखोगे? लूप उस काम को आपका इजी बनाएंगे। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, एक बार में समझ जाना। यदि आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पता है तो फॉर लूप यूज करना, और नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता पर ये पता है कब रुकना है तो व्हाइल लूप। बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, मैं आपसे कहता हूं इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाइए, कितने चक्कर लगाने? 10। कितनी साइकिल? 10। तो फॉर लूप लगाओ। या मैं आपसे कहता हूं इस ग्राउंड के चक्कर लगाओ जब तक थक ना जाओ, अब कितने चक्कर लगाने? आप कहेंगे सर नहीं पता, जब तक थक नहीं जाएंगे जब तक लगाएंगे। तो यहां व्हाइल, जब तक थक ना जाओ। तो हमें व्हाइल में ये पता होता है एग्जैक्टली कि हमें कब रुकना है, कंडीशन। लेकिन फॉर लूप हम यूज करते हैं काउंटिंग के साथ में। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन पाइथन, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। इफ वी नोज द नंबर ऑफ साइकिल्स देन वी यूज फॉर लूप। जनरली फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टपल, डिक्शनरी, सेट ऑफ, स्ट्रिंग और एटसेट्रा। इफ वी डोंट नोज द नंबर ऑफ साइकिल्स बट वी नोज व्हेन टू स्टॉप देन वी यूज व्हाइल लूप। ओके, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप का एक केस ध्यान रखिएगा। सी में हमारे बहुत सारी कंडीशंस लिमिटेड हैं, पाइथन में इनफाइनाइट केस। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की हेल्प से। मैंने मल्टीपल ऑप्शंस बेटा एक ही प्रोग्राम में दिए हैं जिससे कि आपको एक साथ कंपेयर करके समझा सकूं। ध्यान से सुनना, यहां पर आप लगाएंगे फोर लूप, आपको लूप चलाना है 10 बार, तो उसकी काउंटिंग कहीं सेव करोगे। उस वेरिएबल को हमने कह दिया आई इन, और यहां फंक्शन होता है रेंज। रेंज में तीन पैरामीटर पास होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। फॉर एग्जाम्पल 1, 10, 2। 1 से स्टार्ट करो 10 तक, बिफोर 10, एग्जैक्टली 10 पे मत जाना, 9 पे रुक जाना। 1 से स्टार्ट करो, 10 से पहले तक चलना है, और 2-2 का स्टेप लेना, यानी 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पे पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, यदि आप फर्स्ट नहीं बताएंगे तो उसको 0 कंसिडर किया जाएगा। सेकंड तो बताना ही पड़ेगा कब रुकना है, इनफाइनाइट लूप नहीं होता। और स्टेप आपकी मर्जी है, प्लस या माइनस आप किसी में भी स्टेप्स दे सकते हैं, तो आपके स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो 4i in range 1 to 11। अभी मैंने बताया स्टार्ट एंड स्टॉप मैंने मेंशन किया है, 1, 11, यानी कि ये चलेगा 11 से पहले तक, यानी 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3। आगे की तरफ इंडेंट करो, प्रिंट i = i। हमने यहाँ i प्रिंट करा दिया, हमारा i प्रिंट होता रहेगा। क्या प्रिंट होगा? 1 से लेके 10 तक। तो मैं फोर लूप भी सिखा रहा हूं और यहाँ पे रेंज फंक्शन भी आपका ध्यान देना। यदि आपने केवल 10 लिखा तो मैंने फर्स्ट वैल्यू मेंशन नहीं करी, तो ऑब्वियस है वो 0 से स्टार्ट होगी। सेकंड मैंने बस मेंशन करा है, तो 10 लिखा है तो वो कहां तक जाएगा? 9 तक। तो ये आपका प्रिंट करेगा 0 to 9। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, रेंज आपको कैसे भी दिया जा सकता है वहां पे, इसीलिए मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिए। नेक्स्ट देखो, हमने लिया 1, 11, 3। 1 से स्टार्ट करो 11 से पहले तक, 10 तक, और 3-3 के स्टेप्स लेने हैं, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 एंड सो ऑन। तो ये प्रिंट करेगा 1, 4, 7, 10। नेक्स्ट हमने लिया 10, 0, -2। 10 से स्टार्ट करो, कहाँ तक? 0 तक नहीं, 0 से पहले तक, -1 तक। और कैसे चलना है? माइनस में चलना है, तो माइनस में चलोगे तो 10 के बाद कहाँ जाओगे? 8। 2-2 का स्टेप लोगे, 10, then 8, then 6, 5, sorry 4, 2, और 0 से पहले आप रुक जाओगे, ठीक है ना। ऐसी एक हमने लिया 10, 5, 1। 10 से स्टार्ट करो, 5 तक जाना है लेकिन 5 से पहले तक, और माइनस 1 का मतलब है डिक्रीमेंट, तो 10, 9, 8, 7, 6। इस तरीके से ये आपका प्रिंट करेगा। तो फोर लूप आप लोग यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, लेट आई इन रेंज 1 to 11, यानी 10 बार, और यहां जो स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? 10 टाइम। आई की वैल्यू 1, एग्जीक्यूटेड बैक 2, एग्जीक्यूटेड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टॉप।
बाहर आ जाइए, बचे हुए स्टेटमेंट को चलाइए। तो ये प्रोसेस है हमारा। अब यहाँ पे रेंज के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। वो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो जरा, टेबल प्रिंट करना है लाइक दिस, x फिक्स्ड है, इक्वल टू फिक्स्ड है, आई वैल्यू ले लूंगा 1 to 10, 15 मेरा नंबर हो गया जो यूजर इनपुट करेगा, और यहां इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, एंटर द नंबर, यूजर ने n में नंबर दे दिया, 4i इन रेंज, रेंज चलाई 1 to 11, 1 से स्टार्ट हो 10 तक जाना है मुझे, तो 11 लिखूंगा। पहली बार i की वैल्यू हो गई 1, तो n यानी 15 जो भी नंबर इनपुट करा, x एज इट इज डबल कोट्स में, फिर i वेरिएबल आ गया 1 इक्वल टू n into i यानी 15 into 1, 15 पहली लाइन पे प्रिंट हो गया, फिर से लूप में आ गए, i की वैल्यू 2 हो गई, n 15 ही है, 15 कॉमा x 2 इक्वल टू 30 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, टेबल प्रिंट हो जाएगा। फैक्टोरियल प्रिंट करना है, फैक्टोरियल किसे कहते हो, फैक्टोरियल 5 का क्या होता है, 5 4 into 3 into 2 into 1, 6 का क्या है, 6 into 5 into 3 into 2 into 1, इसको ऐसे कहूं तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 5 का फैक्टोरियल 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई, तो लूप चला दो और मल्टीप्लाई कर लो। प्रोग्राम ऑफ फोर लूप फैक्टोरियल यूजिंग फोर लूप, एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करा यूजर ने, लेट द नंबर इज 6, और मैंने एक वेरिएबल लिया m विच इज 1, नाउ i इन रेंज 1 to n+1, तो आपने डाला यहां पे 6, यहां n प्लस 1 का मतलब हो गया 7, तो ये हो गया 1, 7, तो लूप कहां तक चलेगा, 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i की वैल्यू पहली बार हो गई आपकी 1, आपने लिखा m into i, m की वैल्यू 1, i की वैल्यू भी 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 ही आएगा, m की वैल्यू 1 हो गई, फिर से लूप चलाइए, i अब 2 हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो गया 24 हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होके 120 हो जाएगा, और फिर 720 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू इज दिस, तो आपका ये फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा, ठीक। प्राइम नंबर किसे कहते हो, प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से, तो दोनों से डिवाइड मत करो, प्राइम नंबर बनवाना मेरा एम नहीं है, कुछ और भी समझा रहा हूं, पहले वो समझ लो। ये हमने एक लूप लगाया, बेटा पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, पर कहीं पर कुछ ऐसा आ गया कि मुझे लूप आगे नहीं चलाना, मैंने लिखा था 10 बार चलाने के लिए, पर बीच में कोई कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ठीक है ना, तो मुझे अब 10 बार नहीं चलाना, मैं उससे पहले ही उसे ब्रेक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो लूप यहीं टर्मिनेट हो जाए और यहां से बाहर आ जाए, आगे कंटिन्यू ना करे। जैसे मैंने आपसे कहा ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, लेकिन 4th चक्कर के बाद ही आप थक गए, तो भैया बैठ जाओ, आगे नहीं चलाना, तबीयत खराब नहीं करानी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम चलते हुए लूप को टर्मिनेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड, और ब्रेक कीवर्ड लगते ही आपका लूप बाहर आ जाता है, आगे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना तो उसके बचे हुए स्टेटमेंट और ना ही बची हुई साइकिल्स, नथिंग। तो दिस इज ब्रेक। तो जो हम प्राइम नंबर के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे, इसलिए प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपके सामने है। अब प्राइम नंबर आप किसे कहेंगे, जो 1 से डिवाइड हो वो मुझे नहीं करना, अपने आप से भी नहीं करेंगे। तो देखिए हमने प्रोग्राम में क्या लिया है, ध्यान से देखना, एंटर आ नंबर, एक नंबर इनपुट हो गया, अब एक वेरिएबल लिया इज प्राइम, और इसकी डेटा टाइप मैंने लिए बुलियन, ट्रू या फॉल्स, तो ध्यान रखना पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल होता है और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। तो मेरे पास एक वेरिएबल है इज प्राइम जिसकी वैल्यू है ट्रू, 4i इन रेंज 2 to n,
यदि यूजर ने नंबर डाला आपका 15, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर इनपुट किया है 15, तो मैंने लूप स्टार्ट किया 2 से, 1 से नहीं, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्यों करूंगा मैं, और कहां तक, n तक, यानी 15 तक, तो वो चलेगा 14 तक, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करो, 15 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, नो, तो बेटा एल्स मत लगा देना, अभी 3 से भी चेक करना है, 4 से भी करना पड़ सकता है, 5 से भी करना पड़ सकता है, तो अभी मत कहो प्राइम नंबर है, तो इफ के साथ एल्स नहीं लगाना है। वापस लूप में आओ, अब 3 हो गई वैल्यू, 15 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 0, यस इट इज, 15 3 से डिवाइड होता है हमारा, तो मैसेज डिस्प्ले किया नॉट अ प्राइम नंबर, और इस प्राइम की वैल्यू मैंने कर दी फॉल्स। और अब मैं आगे नहीं चलना चाहता, मुझे 4 या 5 से अब डिवाइड नहीं कराना, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है, 3 से मेरा डिवाइड हो गया तो नंबर प्राइम नहीं है, बात खत्म। तो आप यहां लिख दीजिए ब्रेक, ब्रेक के होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा और जो आगे की साइकिल्स थी वो आपकी डिसकंटिन्यू हो गई। अब हमने कंडीशन लगाई इफ इज प्राइम, क्या है इज प्राइम, फॉल्स, तो सेंटेंस रीड करोगे इफ फॉल्स, और फॉल्स के केस में इफ नहीं चलता तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। लेट द नंबर इज 7, डिवाइड करो 2 से, नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से भी नहीं हुआ, और इस प्राइम आपने शुरू में क्या लिया था, ट्रू लिया था। तो जब आप नीचे आएंगे, लूप पूरा चल चुका है, इस प्राइम की वैल्यू क्या है, ट्रू, इफ ट्रू, तो ट्रू है तो क्या चल जाएगा आपका, इफ चल जाएगा, तो ये डिस्प्ले करेगा प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम है और साथ में ये प्रोग्राम है आपका ब्रेक का, लूप मैंने यहां पे बीच में ब्रेक किया है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर कंटिन्यू की मैं बात करूंगा, एक बार एक्सप्लेन करूं जरा दोनों को, देखो एक फोर लूप आपने लगाया है, ऐसी सिंपल लिख रहा हूं, सपोज 1 to 10, ऐसे लिखा नहीं जाता बेटा, ध्यान रखना है ना, समझाने के लिए। इफ कंडीशन ब्रेक एंड देन दिस, और सेम अब आप लिखिए कंटिन्यू के लिए, डिफरेंस देखना दोनों में, लूप चला, कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक नहीं हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुए और वापस लूप में आ गए। नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स है, ये एग्जीक्यूट हुए, वापस लूप में आ गए, कंडीशन फॉल्स है, ये दोनों एग्जीक्यूट हुए, वापस लूप में आ गए, कंडीशन इस बार ट्रू हो गई, तो ट्रू होते ही ये चला ब्रेक, यहां से डायरेक्ट यहां आ जाओ, अगली साइकिल सारी छोड़ दो और नीचे के दो स्टेटमेंट थे इनको भी छोड़ दो, स्किप इट, नाउ कम हियर, कंटिन्यू, कंडीशन फॉल्स है, जस्ट एग्जीक्यूट इट, देन नेक्स्ट साइकिल, कंडीशन फॉल्स है, एग्जीक्यूट इट, नेक्स्ट साइकिल, कंडीशन फॉल्स है, एग्जीक्यूट इट, नेक्स्ट साइकिल, नाउ कंडीशन इज ट्रू, तो आपने कहा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में क्या करेगा, अगला इंक्रीमेंट करके अगली साइकिल शुरू करेगा बेटा, ये दो स्टेटमेंट आपके छूट गए केवल उस साइकिल के लिए जिसमें आपने कंटिन्यू किया, यानी 4 पे यदि आपने कंटिन्यू किया तब आई की वैल्यू 5 होगी और फिर से आपका ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा, यानी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, लूप अगली साइकिल कंटिन्यू कर रहा है, और वो दो स्टेटमेंट भी केवल उसी साइकिल के लिए आपके स्किप हुए जिसमें आपका कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है ब्रेक में और कंटिन्यू में, कंटिन्यू में साइकिल्स पूरी चलती हैं, ब्रेक में नहीं चलती। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यूजर ने एक स्ट्रिंग इनपुट की, तो मुझे बताना है कि उस स्ट्रिंग में जो वोवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, या जो वोवल्स नहीं है वो बताने, कैसे भी मान लो, तो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। आपने स्ट्रिंग इनपुट करी ए बी सी डी, तो आप उस पर लूप लगा सकते हैं, तो रेंज की जगह लिख दो ए बी सी, तो लूप चलेगा 3 बार,
पहली बार उसमें से ए उठाएगा, फिर बी उठाएगा, फिर सी उठाएगा, यानी जितने स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, और एक एक करके कैरेक्टर उठाता रहेगा। हमने यही किया, हमने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराई फॉर सी इन एस। एस क्या है? वो स्ट्रिंग जो यूजर ने इनपुट की। यूजर ने इनपुट करा ए बी सी, तो पहली बार सी में क्या आ गया? ए, यानी इस कैरेक्टर वेरिएबल में। अब हमने कहा सी नॉट इन, यदि इनमें से नहीं है, ये सारे क्या है? वोवल्स हैं स्मॉल और कैपिटल में, तो ये नॉट इन का यूज है यहां पे। कंटिन्यू का तो यूज है ही, साथ में नॉट इन का भी यूज है, ये ध्यान देना। यदि सी इनमें से नहीं है तो कंटिन्यू करो। तो पहली बार क्या है मेरा? ए, ए इनमें से है, हाँ है, तो उसको प्रिंट कर दो। ए प्रिंट हो गया, फिर लूप में आ गए। अब हमारा आया बी, सी नॉट इन, क्या बी इनमें से है? नहीं है, तो क्या करो? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, अगली साइकिल उठाओ, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अगला कैरेक्टर उठाओ, देन अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। केवल ये आपका तब चलेगा जब ये कंटिन्यू नहीं करेगा, यानी कि ये आपका वोवल्स जितने भी है उन्हें डिस्प्ले करेगा। ऐसी देखो एक लिस्ट ले ली हमने, आप ये नहीं कह सकते लिस्ट नहीं बताया, नेचुरल नॉर्मल लेक्चर्स में सब एक्सप्लेन किया गया है ना, ये रिविजन लेक्चर्स हैं आपके यहाँ पे विद स्पेशल टॉपिक्स। तो नंबर्स इक्वल टू समथिंग, ये नंबर हमारे पास है, तो इस पे भी आप लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप, फॉर नम इन नंबर्स, वेरिएबल ले लिया नम इन नंबर्स, नंबर में एक एक नंबर आता रहेगा। पहली बार आया 10, मैंने कहा ये लेस देन जीरो है, नहीं है, तो प्रिंट कर दो, 10 प्रिंट हो गया। फिर वापस लूप में आ गए, अगला नंबर उठाओ -5, लेस देन जीरो है, हाँ, तो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू का मतलब अगली साइकिल चलाओ, अगला नंबर उठा लो 3, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये केवल पॉजिटिव नंबर्स आपके प्रिंट करेगा। कंडीशन उल्टा कर देना तो नेगेटिव नंबर्स को प्रिंट करेगा। देखिए लिस्ट पे आप लूप लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक लिस्ट हमने ली है, इसके सारे एलिमेंट डिस्प्ले करने हैं, फॉर आइटम इन लिस्ट, लिस्ट का नाम दे दो, एक एक करके सारे आइटम मिलते रहेंगे आपको। प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप टू एक्सेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, इंडिया इज ग्रेट, अभी मैंने बताया, स्ट्रिंग पे लगा दो आई एन डी आई ए, एक एक करके आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन सॉरी ये कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग नहीं है बेटा, ये डिक्शनरी है, दिस इज फॉर डिक्शनरी। देखिए यूपी लखनऊ, एमपी भोपाल, यूके उत्तराखंड। अब यदि आप इस पे लूप लगाओगे तो ये आपको देगा की, तो मैंने कहा फोर की इन डी, डी मेरी डिक्शनरी हो गई, तो पहली बार की में आएगा यूपी, फिर एमपी, फिर यूके, और हमने वैल्यू उठाई इसकी डिक्शनरी में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की पे, और की वैल्यू को डिस्प्ले करा लिया। तो फोर लूप आप लिस्ट के साथ लगा सकते हो, स्ट्रिंग के साथ लगा सकते हो, डिक्शनरी के साथ भी आप फोर लूप लगा सकते हो, इन या नॉट इन भी इन्हीं के साथ यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, जब फोर लूप टर्मिनेट होता है तो उसके बाद यदि आप कुछ चलाना चाहते हो तो फोर के साथ एल्स भी लगा सकते हो पाइथन लैंग्वेज में। इफ के साथ तो एल्स लगता ही है, फोर लूप के साथ भी पाइथन लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा फोर आई इन रेंज 1 to 10, प्रिंट समथिंग एल्स, प्रिंट लूप फिनिश्ड। तो जब ये आपका 1 से लेकर 9 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा, तो लूप टर्मिनेट होते ही आपका else पार्ट चल जाएगा। तो इन सम केसेस वी डोंट विश टू राइट द कोड इन ब्लॉक ऑफ फॉर लूप लाइक इफ कंडीशन वगैरह, तो ऐसे केस में आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे पास लगाते हैं, ये पास से रिलेटेड है बेटा, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, पास क्या है, जैसे आपके पास एक लूप है, अब मैं इसके अंदर ना स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा, मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा, तो मैं चाहता हूं लेकिन इस स्टेटमेंट को मैं नहीं हटाऊं, तो पाइथन मेरा एरर देगा, कहेगा जी आपने कॉलन लगाया, ब्लॉक बनाया, तो सेंटेंस तो बताओ, तो आप बस पास लिख दो और फिर स्टेटमेंट लिखो, और फिर जब आपका मन करे पास हटा देना, स्टेटमेंट लिख देना, तो इसे पास कर देगा, ठीक है ना। तो इन सम केसेस वी डोंट विश टू राइट द कोड इन ब्लॉक ऑफ फॉर लूप इफ कंडीशन एल्स एटसेट्रा, बट वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डिलीट द कोड
हम डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो इन दैट केस वी कैन यूज पास कीवर्ड। तो आप पास कीवर्ड लगा दीजिए, वो उसे पास कर देगा, एरर नहीं देगा। जब आपका मन करे पास को हटा के आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत उस समय नहीं होती। तो एक तो ध्यान रखिएगा, फोर के साथ आप एल्स लगा सकते हैं, और पास आप इफ के साथ, एल्स के साथ, किसी भी लूप के साथ या किसी भी ब्लॉक के साथ आप कहीं भी पास कीवर्ड यूज कर सकते हैं पाइथन में। नाउ व्हाइल लूप, व्हाइल की कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी, ध्यान देना फिर से। व्हाइल वहां लगाएंगे जहां पर हमें ये नहीं पता साइकिल्स कितनी हैं, ये पता है रुकना कब है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां हमने एक प्रोग्राम लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रोग्राम पे। एक नंबर है 723, 10 से डिवाइड करो, पाइथन के अकॉर्डिंगली आएगा 72.3, पर मुझे चाहिए 72, तो डबल स्लैश लगा दो, तो अब आंसर आएगा 72, इंटीजर डिवीजन। अब 72 को फिर से डिवाइड करो तो आ गया 7, 7 को फिर से डिवाइड करो आ गया 0, स्टॉप, रुक जाओ। मैं कब रुका? जब तक 0 नहीं आ गया। यही है हमारा प्रोग्राम। कितनी बार डिवीजन हुआ? 3 बार। तो इस प्रोग्राम में 3 डिजिट्स हैं इस नंबर में। प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप टू काउंट डिजिट्स इन अ नंबर, एंटर अ नंबर, नंबर आ गया, एक काउंटर वेरिएबल लिया सी, एन इज ग्रेटर देन 0, 723 इज ग्रेटर देन 0, यस, एन डबल स्लैश 10, वैल्यू आ गई 72, किस में? एन में, और सी को प्लस कर दिया 0 की जगह, अब सी हो गया मेरा 1। लूप में वापस आ गए, व्हाइल लूप है बेटा, एन ग्रेटर देन 0, यस, 72 इज ग्रेटर देन 0, 72 को डिवाइड करो 7 आ गया, सी को इंक्रीज करके 2 कर दो, 7 इज ग्रेटर देन 0, यस, 7 को 10 से डिवाइड करो 0 आ गया, सी को इंक्रीज करके 3 कर दो। अब कंडीशन वापस आई है, एन ग्रेटर देन 0, नो, एन तो 0 हो चुका है, तो रुक जाइए, टोटल डिजिट्स प्रिंट कर दो सी, सी में कितनी वैल्यू है? 3। तो आपका ये काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ठीक है ना। तो व्हाइल लूप की हेल्प से आप इस तरीके से वर्किंग करते हैं। टेक दिस, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम करना है, 7 + 2 + 3, ऐसे कहूं तो 3 + 2 + 7, आप कहेंगे सर एक ही बात है। तो आप एक काम करना, इसको डिवाइड करने से पहले 10 से रिमाइंडर निकाल लेना, तो 3 आ जाएगा, और फिर 723 को 10 से डिवाइड करना, 72 आ जाएगा, और लूप चलाते रहना जब तक ग्रेटर देन 0 है। सी रिमाइंडर, सम वेरिएबल ले लिया एक, आर इक्वल टू एन परसेंटाइल 10, 723 परसेंटाइल 10, 3 आ गया, सम में प्लस करा दो, सम की वैल्यू 0 है, 3 प्लस आर 0 करोगे तो 3 आ गया, सम में आपकी वैल्यू आ गई 3, एन को आपने डिवाइड कर दिया 72 हो गया, 72 ग्रेटर देन 0, यस, रिमाइंडर फिर से निकालो, इस बार 72 से निकालोगे तो 2 आएगा बेटा, आर में वैल्यू प्लस कराओगे तो 3 + 2 = 5 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, इस बार 7 बचा, फिर से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर 10, 7 ही आएगा, और 7 + 5 = 12 हो जाएगा, एन को डिवाइड करेंगे 0 हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, वापस आ जाइए, सम ऑफ डिजिट्स डिस्प्ले कर दो 12। पैलिंड्रोम, लॉजिक इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम, 723 था, 327 बनाना है। याद कीजिए मैंने अभी तरीका बताया था आपको, मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करा दो, 30 + 2 = 32, 32 में 10 से मल्टीप्लाई करो 320, और 320 में प्लस 7 करा दोगे तो 327 हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो किया है, एक वेरिएबल लिया m इक्वल टू 0, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का 10 से मल्टीप्लाई करा, आर प्लस करा दिया, स्टार्टिंग में m की वैल्यू 0 है बेटा, तो जो भी आपके पास वैल्यू 3 है बस 3 रह जाएगी, डिवाइड हो गया। अब वापस लूप में आ गए, एन परसेंटाइल 10 फिर से, इस बार 2 आएगा, तो 3 × 10 30 + 2 = 32, फिर डिवाइड हो गया, फिर 32 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर 7, 327 हो गया। अब यहाँ एन से नहीं कंपेयर करेंगे पैलिंड्रोम के लिए, क्योंकि एन को तो हम काट काट के खत्म कर दिया, तो मैंने एन की एक कॉपी बचा ली के में,
और मैंने कहा जो मेरा रिवर्स नंबर है एम में और जो के में वैल्यू है, यदि वो इक्वल है तो नंबर इज पैलेंड्रोम, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलेंड्रोम। तो सेम व्हाइल लूप देखो मेरा पैलेंड्रोम के लिए यूज हो गया। तो एक ही लूप है, उसे हम कितने फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक व्हाइल लूप हमने लगाया है, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप के लिए है। हम एक पासवर्ड इनपुट कराएंगे जब तक यूजर सीक्रेट ना डाल दे। तो हमने लिखा व्हाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप भाई चलता रहे। अब आप कहो सर रोकोगे कब, तो ब्रेक लगाऊंगा क्योंकि रोकना तो पड़ेगा। इनपुट एंटर पासवर्ड, इफ एस इक्वल टू सीक्रेट, पासवर्ड इनपुट हुआ, एस में आ गया एबीसीडी, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ जाओ, रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, फिर से लूप में आ जाओ, फिर इनपुट कराओ। जब तक सीक्रेट ना हो जाए, सीक्रेट होते ही वेलकम फ्रेंड और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक लगा सकते हो। तो यहां इनफाइनाइट लूप का भी कॉन्सेप्ट आ गया और ब्रेक का भी आ गया। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। पैटर्न पता ही है आपको, बहुत कॉमन है बेटा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पैटर्न का कोई प्रोग्राम ना आए, जरूर आएगा कोई ना कोई प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रिंट में पहले एक चीज बता दूं, पैटर्न से पहले आप कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट जब यूज करते हैं, तो वो प्रिंट करता है ए और नेक्स्ट लाइन में बी। तो बेटा यहां पर आपने ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जाना है या नहीं जाना। मींस आप इसको ऐसे लिख दो, और आप कहो एंड में स्पेस डालना है या कुछ भी नहीं डालना। अभी ए प्रिंट करेगा और मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो ए के बराबर में ही बी आ जाएगा। तो आप एंड कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर स्लैश एन, दैट मींस न्यू लाइन, ठीक है ना। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बताए थे आपको लास्ट, लेकिन यदि आप स्लैश एन नहीं चाहते हैं तो आप बता सकते हैं क्या चाहते हैं आप। तो देखो कितना ईजी है। इसी से पहले एक चीज सुन लो, आपके पास एक स्ट्रिंग है एबीसी, तो पाइथन में आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रिंग रिपीट हो जाती है 3 बार यदि 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी चीज का हमने फायदा उठाया, 4i in range 5, लूप चला 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, तो 0 1 2 3 4, 4-5 बार लूप चला। हमने कहा प्रिंट एक्स इंटू 5, एक्स से पहले और बाद में मैंने स्पेस डाले हुए बेटा, तो x को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 बार x, फिर वापस लूप में, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर वापस लूप में, एंड सो ऑन। देखो ये पैटर्न आ गया, ठीक है। इसको देखिए i इन रेंज 5 सेम, प्रिंट x इंटू i, I की वैल्यू पहली बार 0 है बेटा, ये मत भूलना, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट बेटा, इसको 6 कीजिएगा, तो x इंटू 0 कुछ नहीं प्रिंट हुआ, फिर I की वैल्यू 1 हो गई, x इंटू 1 एक बार x आ गया, फिर 2 बार x आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया, फिर 5 बार आ गया। इस तरीके से आपका ये x प्रिंट हो गया, देखिए। तो ये पैटर्न ऐसा आ जाएगा, लूप कितना आसान है। यहां देखो ध्यान से देखना, 2 प्रिंट स्टेटमेंट हैं और एंड इक्वल टू 2 डबल कोट से बस स्पेस भी नहीं है। I इन रेंज 6, लूप चलेगा मेरा 0 से, पहली बार चलाइए 0 से, प्रिंट स्पेस इंटू 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का मतलब हो गया 0, सॉरी 6 माइनस 0 यानी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके 6 स्पेस आ गए बेटा,
एक दो तीन चार पांच छ, एंड कुछ नहीं, यानी उसी लाइन में रहना है। अब x इंटू आई, आई की वैल्यू जीरो, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, फिर वापस लूप में आ जाओ। अब आई की वैल्यू हो गई वन, तो सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन हो गया फाइव, तो पांच स्पेस आएंगे, एक दो तीन चार पांच, और फिर आपका आएगा x वन टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम फोर स्पेस आएंगे और दो बार x, फिर थ्री स्पेस आएंगे, फिर थ्री टाइम्स x, और देखो आउटपुट आ जाएगा आपका ऐसा। पांच ही बार आएगा लास्ट में, क्योंकि सिक्स लिखा हुआ है, आपने ध्यान रखना। तो ये पैटर्न आपका हो गया। नेक्स्ट देखो ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल में ये मत भूलना, यहां पर स्पेसेस है बेटा, तो कितने स्पेस हैं, तीन दो एक जीरो, और एक्स कितना है मेरा, एक्स है मेरा एक तीन पांच सात, तो ऑड फिगर्स हैं। तो ध्यान से देखिए, जीरो टू फाइव लूप एग्जीक्यूट किया है, इसको सिक्स ही कर लो, बेटर रहेगा आपका। वैसे स्टेटमेंट चार ही है मेरे, मैं फाइव ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। नाउ प्रिंट, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो, तो सिक्स माइनस जीरो सिक्स ही आ गया, तो यहाँ पे आपके स्पेस आ गए बेटा, और ये टू इंटू आई माइनस वन है, आई की वैल्यू शुरू में जीरो है, टू इंटू जीरो हो गया जीरो, जीरो माइनस वन हो गया, तो पहली लाइन में तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जब अगली लाइन आई, तो आई की वैल्यू आपकी वन हो गई, वन होती सिक्स माइनस वन हो गया आपका फाइव, तो आपके फाइव स्पेस आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ स्पेस हमने कुछ ज़्यादा डाल दी है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ यानी ये स्पेस भी हमने ले लिए, लूप में थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आउटपुट सही है। तो बेटा आपके ये स्पेस प्रिंट करेगा, और फिर टू इंटू आई माइनस वन, आई की वैल्यू वन है, टू इंटू वन माइनस वन हो गया वन, तो एक्स प्रिंट होगा केवल एक बार, स्पेस में बस गड़बड़ हो रही है, मैं इसको सही कर देता हूँ बेटा। यहाँ आपका आएगा फोर माइनस आई, बस इतना आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ट्राइंगल आ जाएगा। ये लोअर ट्राइंगल है, इसमें अपोजिट कर देना कंडीशन, प्रोसेस सेम है, फाइव कॉमा जीरो माइनस वन, यानी लूप चलेगा फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है ना। दोनों को कंबाइंड कर दो तो ये ट्राइंगल आ जाएगा, एक फोर लूप अपर ट्राइंगल के लिए, एक फोर लूप लोअर ट्राइंगल के लिए, तो डायमंड शेप आपकी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से पैटर्न लगा सकते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इफ कंडीशंस, पैटर्न मैच, फोर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इनकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने बेसिक्स प्रोग्राम के साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पैटर्न इसलिए बताएं कि स्ट्रिंग के साथ में आप लोग खेल सकें, तो इसलिए पैटर्न भी मैंने आपको सब बताए हैं। उम्मीद करूँगा कि इनकी हेल्प से हम लोग जो आगे के प्रोग्राम्स बनाएंगे वो आपके काफ़ी ईजी हो जाएंगे, और ये यूनिट हमारी इस पार्ट पर कम्प्लीट होती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।